So hi guys, good morning and welcome back to my another vlog. Hope you all are doing good and great as well. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि हमारे वेट लॉस में भी सबसे हेल्पफुल होती है और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट और क्विक ऑप्शन है अगर आप लोग खाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं तो. सो यस गाइस, आज हम बनाने वाले हैं जुकीनी पैनकेक्स. एज वी ऑल नोज कि जुकीनी बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है जुकीनी का. सो अब जुकीनी होती क्या है गाइस, जुकीनी एक मतलब जैसे घिया जो होता है ना, लौकी जो होती है, लौकी की तरह ही एक वेजिटेबल होती है जिसको वैसे यूजुअली लोग कच्चा भी खा लेते हैं, बॉईल करके भी खा लेते हैं. बट हम जो बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं जुकीनी के पैनकेक्स जो कि उन्हें बोल रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस. अब ये कैसे बनेंगे इसके लिए फटाफट से वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, तो आ जाओ. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो. और वापस से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए लेके. और ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है जो वेट लॉस जर्नी पे हैं या जो लोग डाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ब्रेकफास्ट के लिए. सॉरी थोड़ा फब्बल हो गया. सो चलिए गाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लिपिंग में आपको बता ही दिया कि हम लोग आज बनाने वाले हैं जुकीनी पैनकेक्स. अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जुकीनी एक्चुअल में क्या है, सो मैंने इसलिए ये रखा हुआ है प्रॉपर. दिस इज जुकीनी गाइस. एक्चुअल में ये जुकीनी जो होती है ये बिल्कुल आपका जैसे घिया होता है, बिल्कुल घिया की तरह ही होती है, बट इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अब बहुत सारे लोग ना एक्चुअल में क्यूक्यूम्बर और जुकीनी में थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी जो इंग्लिश यानी जो अमेरिकन क्यूक्यूम्बर आता है, यानी जो अमेरिकन खीरा आता है, उसमें और इसमें डिफरेंस होता है गाइस. वो सैलेड वाला होता है, ये सब्जी वाला होता है. इसको भी लोग कच्चा खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं, बट तो यस कुछ इस तरीके से होती है. मेरी तो ये थोड़ी सी मैंने ऊपर से कट करके मतलब उसको मैंने ग्रेट किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए. मैंने ये पूरी रखी है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो. तो आज हम बनाने वाले हैं जुकीनी के पैनकेक्स. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताते हैं. सो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैंने लिया हुआ है जुकीनी, जिसको मैंने क्या किया है, मैंने कस के और पानी निचोड़ के उसका इस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है. मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से. ये यही वाली जुकीनी है जिसको मैंने कस लिया है, कद्दूकस करके, और उसको निचोड़ के मैंने रखा है यहाँ पर. साथ में थोड़ा सा मैंने ऑल पर्पज़ मैदा लिया हुआ है, ऑल पर्पज़ फ्लार यानी कि मैदा मैंने ली हुई है सिंपल. यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको काटा हुआ है. यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्ची काटी हुई है. हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हो अगर आप नहीं खाना चाहते हो, स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका पैनकेक का बैटर. और यस गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले याद दिला देती हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा. तो चलो अभी हम बढ़ते हैं अपना बैटर बनाने की तरफ. सो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले बोल के अंदर हम लोग डाल देंगे हमारी जुकीनी. प्याज डाल देंगे अब इसके अंदर. वेजीज आप बढ़ा भी सकते हो अगर आप चाहो, बीटरूट, कैरेट्स, आप कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो. मैं सिर्फ दो चीज़ों से बना रही हूँ, ग्रीन चिलीज नाउ वी विल ऐड ऑल पर्पस फ्लावर. थोड़ा सा भी डालूंगी, थोड़ा सा बचाऊंगी. गाइज इसके अंदर जो पानी डालोगे ना आप, सो गाइज थोड़ा सा मैदा मैंने बचाया है, थोड़ा ही डाल रही हूँ. और गाइज इसमें पानी बहुत हिसाब से डालना है, हिसाब से मतलब मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो जुकीनी हमने डाली हुई है वो पानी छोड़ती है, जैसे कि हमारे घिया वगैरह जो होते हैं ये सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं, तो ये भी पानी छोड़ती है, इसलिए हिसाब से डालेंगे.
कुछ इस तरीके का इसका हम तैयार करके बैटर हम इसके अंदर मसाले मिला लेते हैं फटाफट से। सो मसालों में सबसे पहले ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी मिला दूँगी इसके अंदर टर्मरिक, थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है गाइस, बहुत थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं खाना सोडा, एंड दैट्स इट। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। नमक लास्ट में डालूंगी, क्यों डालूंगी लास्ट में सबको पता होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ, क्योंकि नमक छोड़ता है पानी गाइस, इस वजह से एक बार सारे मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर नमक को ऐड करेंगे। बचा हुआ मैदा इसके अंदर डाल दे रही हूँ। नाउ वी विल ऐड सम वाटर, यानी कि अब हम पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं सॉल्ट। आई एम यूजिंग पिंक सॉल्ट, आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो। इट्स डन, इस तरीके का बैटर मैंने बना लिया है गाढ़ा गाढ़ा सा। अभी हमें बनाना है इसका पैनकेक, तो इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी, जस्ट 2 मिनट के लिए, और फिर स्टार्ट करते हैं पैनकेक बनाना। सो गाइस, ये मैंने पैन लिखी, उसके अंदर मैंने जैसे दिखाया था मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया था। सो गाइज, ये मैंने पैन लेके इसके अंदर ऑयल स्प्रेड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर अपना पैनकेक डालती हूँ। बड़ा छोटा गाइज आप अपने हिसाब से बना लेना, जैसा आपको सूटेबल लगता है ना वैसा बनाना। मैं थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ इसको। और गाइस, इसको हवड़ा दबड़ी नहीं करनी बिल्कुल भी फ्लिप करने में। अब इसके साइडर्स में मैं हल्का हल्का सा ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर दे रही हूँ, जिससे कि ये चिपके ना। और गाइस, बहुत केयरफुली मतलब इसे रखना है। अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे और इसको वन साइडेड कम से कम कुक करना है आपको 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लिड से कवर करके हम कुक होने के लिए। तो चलो गाइस, एक बार हम इसका लिड हटा के देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे पैनकेक का। सो गाइस, बहुत केयरफुली इसे साइडर्स से, सी देखिए हटने लग गया है, एज यू कैन सी कि इसके साइडर्स अपने आप हटने लग गए हैं। अब इसे हमें करना है सबसे डिफिकल्ट टास्क, हमें इसे करना है फ्लिप। वाओ, सी गाइस, इस पर कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब इसको वापस से हमें लिड से कवर करके दोबारा से दूसरी साइड से हमें इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक करना है। तो अभी हम इसको पेशेंसफुली कुक होने देते हैं।
सो चलो गाइज अब इसको दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। सो ये भी हमारा दूसरी साइड से भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है कुक। ये भी हमारा हो चुका है कुक। अब जस्ट 2 से 3 मिनट्स के लिए और इसको पकाऊंगी और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ सर्विंग इसकी। सो गाइज ये पूरा हो चुका है फाइनली कुक। मैं थोड़ा सा क्रिस्पी कर रही हूँ, मुझे क्रिस्पी करके खाना पसंद है, आप लोगों को कैसा पसंद होगा ज़रूर बताइएगा। तो अभी फटाफट से इसको सर्व करते हैं। सो फाइनली गाइज हमारा हेल्दी स्नैक्स और हेल्दी ब्रेकफास्ट चीला हमारा बनके, पैनकेक हमारा बनके हो चुका है रेडी। और सी कितना क्रिस्पी ये लग रहा है देखने में, और हेल्दी भी होता है और डिलीशियस भी होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इफ़ यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये आपके लिए सबसे प्रायोरिटी बेस्ड ब्रेकफास्ट मेन्यू होगा। अगर आप इसको एक बार खा के देखेंगे बना के, और हेल्दी भी होता है क्योंकि इसके अंदर जुकीनी मिला हुआ है, और जुकीनी बहुत हेल्दी होता है वेट लॉस जर्नी के लिए, और वैसे भी हेल्दी होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो हेल्दी से ब्रेकफास्ट की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्दी सी ब्रेकफास्ट डिनर या लंच की रेसिपी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।